हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ और आज हम बात करने वाले हैं एक्स सिग्नेचर लाइन ऑफ डिओड्रेंट के एक्स सिग्नेचर स्वाव के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये है एक्स सिग्नेचर का स्वाव। इसका जो बॉक्स है वो तो मैंने फेंक दिया है, मगर एक्स सिग्नेचर चैम्पियन का बॉक्स है मेरे पास। एग्जैक्टली इसी तरह का एक्स सिग्नेचर स्वाव का बॉक्स भी दिखता है। ठीक ठाक पैकेजिंग है, इधर एक्स सिग्नेचर लिखा हुआ है, इधर नाउ एट 190 रुपीज़ लिखा है, इधर चैम्पियन की जगह पे स्वाव लिखा रहेगा, 0% गैस है। इधर कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं, ऊपर एक्स की ब्रांडिंग दी गई है और नीचे प्राइस वगैरह दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, बॉटल पे अगर हम आए तो बॉटल कुछ इस तरह से दिखता है। मेटल का बॉटल है, मगर बहुत ही हल्की क्वालिटी का बॉटल है। मतलब आप देख पाएंगे, अगर मैं प्रेस करूँ तो डेंट पड़ जा रहा है, इतने सस्ते क्वालिटी का बॉटल है। ठीक है, इधर एक्स सिग्नेचर स्वाब लिखा है, 0% गैस दिया हुआ है, प्लास्टिक का कैप, बहुत ही सस्ते क्वालिटी का है। मगर ठीक है, ये एक्स सिग्नेचर का स्वाब है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो मुझे 190 रुपीज़ का पड़ा था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 190 रुपीज़ देख सकते हैं, मगर आज के डेट पे अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो एक्स आपको 240 रुपीज़ का एक्स सिग्नेचर का स्वाब पड़ रहा है, और अगर आप पैक ऑफ टू वगैरह लेने जाएंगे तो आपको 200 रुपये का एक पड़ रहा है। बेसिकली 400 रुपीज़ का पैक ऑफ टू पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस डिओड्रेंट की बात करें तो बेसिकली एक्स ने फर्स्टली ये डिओड्रेंट 190 और 199 के रेंज में निकाला था, पर मेरे ख्याल से इसकी एक्स सिग्नेचर की जो बढ़ती पॉपुलैरिटी देख के उन्होंने थोड़ी सी और बेटर पैकेजिंग करके 240-250 रुपीज़ में निकलना चालू किया है। अगर हम 240-250 रुपीज़ के डिओड्रेंट के रेंज देखें तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बेटर है वाइल्डस्टोन के कोर सीरीज़, क्योंकि बॉटल से लेके स्मेल से लेके एवरीथिंग में मुझे वाइल्डस्टोन कोर सीरीज़ फार बेटर लगता है। क्योंकि 190 रुपीज़ में ठीक था ये, मगर 240-250 में मेरे ख्याल से वर्थ नहीं है। वाइल्डस्टोन कोर सीरीज़ काफ़ी बेटर है। बाकी फ्रेंड्स, अगर हम इसके स्मेल की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, एटोमाइजर ठीक ठाक है। एक्स कुछ थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी के कम बनाता है। इसका स्मेल काफ़ी मिंटी है, थोड़ा सा एक्वेटिक है, थोड़ा सा फ्रेश है, मगर एक बबल गम जैसा फीलिंग है। काफ़ी लाइट है। अगर इसको कहाँ पहन सकते हैं मैं बोलूँ तो इसको नाइट टाइम में ज़्यादा आप पहन पाएंगे, उतना ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं है ये, मगर इसको डे टाइम में भी पहन पाएंगे, समर वेयर में भी, एज अ समर वेयर भी पहन पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा डिस्टिंक्ट स्मेल चाहिए तो मेरे ख्याल से एक्स चैम्पियन काफ़ी बेटर रहेगा। वो एक आपको आइडेंटिटी देता है। एक्स सिग्नेचर का जो स्वाव है वो उतना ज़्यादा आइडेंटिटी नहीं है और काफ़ी हल्का स्मेल करता है और हल्का सा स्वीट भी स्मेल करता है। हाँ, थोड़ा फ्रेश है, मिंटी है, स्वीट है थोड़ा सा। अच्छा फ्रेंड्स, अगर इसकी लॉन्जिविटी की हम बात करें तो ज़्यादा नहीं है। एक्स सिग्नेचर के सीरीज़ में उतनी ज़्यादा लॉन्जिविटी हमको मिल नहीं रही है। 3 से 4 घंटा मैक्स टू मैक्स आपको लॉन्जिविटी मिलती है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही स्प्रे करना होगा। आप जहाँ भी स्प्रे कर रहे हैं मेक श्योर कि आप 2-2 बार स्प्रे करें ताकि आपका लॉन्जिविटी थोड़ा ज़्यादा मिले। बाकी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो 1 घंटे के आसपास हमको प्रोजेक्शन मिल जाता है। और फ्रेंड्स, अगर हम ओवरऑल एक्स सिग्नेचर स्वाब की बात करें इस रेंज में तो इंटेंस सीरीज़ भी काफ़ी अच्छा इससे सस्ते में आ जा रहा है। बाकी फ्रेंड्स, एक्स सिग्नेचर के जो बाकी सारे डिओड्रेंट्स हैं, मेवरिक, मिस्ट्री, मिस्टीरियस और चैम्पियन, वो थोड़े और बेटर लग रहे हैं मुझे। स्वाब मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बाकी फ्रेंड्स, यही था एक्स सिग्नेचर का स्वाव। अगर इस डिओड्रेंट के बारे में आपको कुछ डाउट है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ज़रूर कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।